हाय गाइस गाइस, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग इस ट्रेडिंग के अंदर रोज बहुत बड़े बड़े लॉस कर लेते हैं, या यह कहिए कि वह अपने डीमैट को जीरो तक कर लेते हैं। देखिए, मैं आज आप लोगों को इसकी वजह बताना चाहता हूं और आप लोगों को लॉस से बचने का तरीका भी समझाना चाहता हूं। लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो इसमें बताई गई हर एक बात को अपनी जिंदगी में डालेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी जिंदगी में से इस लॉस नाम के शब्द को काफी हद तक पीछे छोड़ देंगे। देखिए, सबसे पहली वजह क्या है एक रिटेल ट्रेडर के बड़े लॉस करने की, वह है टारगेट। एक रिटेल ट्रेडर के पास टारगेट नहीं होता कि अगर उसने कोई प्राइस 10 रुपए पर खरीदा है तो वह उसे कितने रुपए पर एग्जिट करेगा अगर यह उसके फेवर में गया तो, ठीक है। और अगर यह 10 रुपए का प्राइस खरीदकर उसके अगेंस्ट गया तो उसके पास इस चीज का भी टारगेट नहीं है कि वह इसे कहां तक होल्ड करेगा। आज से आपको एक टारगेट बनाना है कि अगर मैंने कोई प्राइस 10 रुपए पर खरीदा तो मैं इसे कितने रुपए पर एग्जिट करूंगा, और अगर यह मेरे अगेंस्ट गया तो मैं इसे कहां तक होल्ड करूंगा, ठीक है। तब तक आप इस मार्केट से अपने पैसे को एग्जिट नहीं करेंगे। आज से आपको हर ट्रेड का टारगेट बनाना होगा। दूसरी वजह क्या है एक रिटेल ट्रेडर की मार्केट में लॉस करने की, वह है जीरो टू हीरो, ठीक है। एक ट्रेडर यहां पर जीरो टू हीरो के लिए मार्केट में आया है, उसे जीरो टू हीरो चाहिए। हर एक्सपायरी के दिन, ठीक है, यहां पर 1 रुपए का ट्रेड कभी कभी 100 रुपये या 200 रुपये तक हो जाता है, ठीक है। इसे ही शायद जीरो टू हीरो बोलते हैं। पहले मेरे भी इसी चक्कर में बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते थे, और आप मुझे सच बताइएगा कि आपके भी यहाँ पर इसी वजह से ही डीमैट्स जीरो हुए हैं ना। देखिए, आज के बाद आप कभी भी जीरो टू हीरो के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, और ना ही अपने मुँह से कभी ये कहेंगे कि जीरो टू हीरो नाम का शब्द इस ट्रेडिंग के अंदर भी होता है क्या। अगर सोचिए, अगर ये चीज़ मान भी लीजिए कि यहाँ पर आपको वह ट्रेड मिल भी जाए जीरो टू हीरो वाला, 1 रुपए का ट्रेड 100 रुपए और 200 रुपए तक चला भी जाए, क्या आप इसे इस लेवल तक होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। हम इस ट्रेड को होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, जैसे ही ये 1 रुपए से 5 रुपए भी आएगा ना, हम तो भी इस मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। हम मार्केट में चाहते तो हैं कि हम पैसा बनाएं, लेकिन हमारे अंदर जो डर है हम उसे कभी छोड़ ही नहीं पाते, और यही डर हमें मार्केट से प्रॉफिट निकालने नहीं देता, और यही डर हमें जिंदगी में भी आगे बढ़ने नहीं देता। आज से आपको जीरो टू हीरो के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। एक रिटेल ट्रेडर की तीसरी वजह क्या है मार्केट के अंदर बड़े लॉस करने की और यहां पर पैसा नहीं बनाने की, देखिए, एक रिटेल ट्रेडर ने 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का ये जो टाइम है, ठीक है, इसमें मार्केट में आया वह, ठीक है, कुछ प्रॉफिट भी बना लेते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर लॉस भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप 9 बजे आए, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया, और उसके बाद आपने देखा कि एक और पैटर्न बन रहा है और आपने फिर से मार्केट में ट्रेड ले लिया, ठीक है, और जो आपने कमाया था वह सारा यहाँ पर गंवा दिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, कुछ होते हैं कि यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में ही लॉस करके बैठ जाते हैं और फिर बाद में उसको रिकवर करने के लिए लगे रहते हैं, और जब तक ये 3:30 बजते हैं तो वह लॉस या तो डबल हो जाता है या ये कहिए कि वह फंडी जीरो हो जाता है। तो आज के बाद आपको ऐसा नहीं करना है, मैं आपको एक नियम बताता हूँ। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि ये मार्केट सिर्फ 2 बजे तक चलता है, ठीक है, इसी पैटर्न से मैं सक्सेस हूँ, रियल बता रहा हूँ। आपने 2 बजे से पहले ही मार्केट के अंदर पैसा बना लेना है, पहली चीज, ठीक है। अगर आपका 2 बजे से पहले मार्केट में लॉस हो गया तो आप मार्केट को छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं 3:30 बजे तक या कोई जीरो टू हीरो वाला जो मूवमेंट आएगा मैं वहां पर रिकवर कर लूंगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट के अंदर 2 बजे से पहले मैंने क्या किया। अगर मैं प्रॉफिटेबल हूं तो मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा, ठीक है, और अगर मुझे लॉस हो गया तो भी मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा। आप हमेशा अपने लॉस को या जो भी आपने पीछे अपने फंड को जीरो किया होगा, आप हमेशा समझिए कि सबसे बड़े लॉस आपको 2 बजे के बाद ही हुए होंगे। तो आप सिर्फ 2 बजे तक मार्केट में टिकिए, और उसके बाद आपके पास जो भी है, आपने प्रॉफिट बनाया तो आप प्रॉफिट लेकर जाइए, आपने लॉस बनाया तो आप लॉस लेकर जाइए।
और एक चीज और मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि 10-20% का फॉर्मूला कभी मत भूलिए। यह फॉर्मूला आपकी जिंदगी पलट कर रख देगा। आप सिर्फ 10-20% बनाइए, छोटे पर सब्र कीजिए, फिर देखिए कमाल आप अपनी जिंदगी का और स्टेडिंग का। जब आप एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक है, बूंद बूंद से सागर बन जाता है, तो आप भी इसी चीज को समझकर चलिए। आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स मार्केट से निकालना शुरू कीजिए, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, आप अच्छे से ट्रेडिंग को समझ पाएंगे, ठीक है, आपको इसका एडिक्शन नहीं होगा, आप अपने सपनों को धीरे धीरे बड़ा और उन्हें पूरे करते चला जाएंगे। तो आप इन सब चीजों को समझिए, रूल्स आर रूल्स। तो ये चीजें हैं, आप जिंदगी में समझकर जब चलना शुरू कर देंगे तो आपको जिंदगी बहुत कुछ देने वाली है। लेकिन जब आप लापरवाही, आलस, ये सब चीजें लेकर आएंगे ना, तो आप यहां से सक्सेस नहीं हो सकते। तो कहने का मीन्स है कि आप समझकर चलिए। अब बात करते हैं FIDI के बारे में। देखिए, मैंने कल के वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि FI ने कैश सेगमेंट में खरीदारी की है, ठीक है, और DI यहाँ पर विकवाली करके गए हैं। बाकी ओवरऑल डेटा देखकर मैंने ये कहा था कि ये डेटा कहीं ना कहीं वीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि जब तक FI कैश सेगमेंट में खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि जब तक FI कैश सेगमेंट में सेल पर नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक मार्केट नीचे नहीं गिर सकता। और मैंने आपको कल के चार्ट पर यह चीज़ क्लियर कर दी थी कि अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे खुलता है, ठीक है, थोड़ा नीचे जाएगा और फिर से रिकवर हो जाएगा, और अगर इसके पास खुलता है तो भी मार्केट नीचे जाएगा और फिर से रिकवर हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दी थी, ठीक है। और जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा, आई होप उन्होंने यहाँ पर पैसा बनाया होगा। देखिए, आज भी मार्केट में एक डेटा आया है FIDI का। यहाँ पर FI कैश सेगमेंट में फिर से खरीदारी करके गए हैं 1014 करोड़ रुपए की, ठीक है। लेकिन DI ने यहाँ पर बिकवाली की है, काफ़ी अच्छी बिकवाली की है। पहले वह अगर कंपेयर किया जाए 11 तारीख से, तो उन्होंने 200 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी, लेकिन आज वह काफ़ी 5 गुना करीब करीब बिकवाली करके गए हैं, ठीक है। FI ने इंडेक्स फ्यूचर से भी एग्जिट किया है पैसा, और उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन से भी पैसा एग्जिट किया है। स्टॉक ऑप्शंस में उन्होंने काफ़ी छोटा पैसा इन्वेस्ट किया है, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी पहले बहुत काफ़ी छोटा पैसा इन्वेस्ट करके गए हैं। अब मार्केट का एक रूल समझते हैं, नियम समझते हैं, वह है, देखिए, मैंने आपको यह भी बताया था कि मार्केट 44,000 के बिल्कुल करीब है, ठीक है, यह एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और मार्केट इसके पास तक जरूर जाएगा, चाहे भले से यहाँ से गिर जाए, ठीक है, लेकिन जाएगा जरूर। और अब मार्केट के पास एक मौका है, वह इसके बिल्कुल नियर बाय में है। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मार्केट 44,000 के पास जा सकता है, ठीक है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा कि जा सकता है, वरना बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में फिर गालियाँ देने लग जाते हैं कि आपने तो कहा था कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और ये उल्टा हो गया। तो आप लोग मार्केट में थोड़ा वेट करके ट्रेड कीजिए, मार्केट में थोड़ा उसको सेटल होने दीजिए, मार्केट को, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनने दीजिए, तब आप मार्केट में एंट्री लीजिए, ठीक है। हम FIDI के डेटा के बेस पर कोई ट्रेड नहीं लेते, हम सिर्फ मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन देखते हैं FIDI का, कि ये लोग, इनका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या व्यू है मार्केट को, किस साइड ले जाना चाहते हैं। तो अभी ये बिल्कुल क्लियर है कि DI यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन FI कहीं ना कहीं सपोर्टिव हैं अभी भी, ठीक है, या तो वे मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, या वे मार्केट को फिर से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे, ये चीज़ अभी भी FI कर रहे हैं। लेकिन DI ने यहाँ पर एक अच्छी बिकवाली करके हमें ये दिखा दिया है कि मार्केट नीचे जाने की तैयारी में लग चुका है। तो आप मंडे के लिए, जब तक हमारे सेटअप के साथ, जो हमारा 3-स्टार सेटअप है, जब तक उस बेस पर मार्केट में ट्रेड ना बने, तब तक आप मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।